परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं सभी उपस्थित महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष और इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों व भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव और सम्मान का क्षण है। महोदय, मैं राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के एक छोटे से गांव बरनाला से संबंध रखती हूँ, जहाँ लिंग अनुपात एवं महिला साक्षरता दर अभी भी चिंता का विषय है। महोदय, मैं न सिर्फ भारतीय राजस्व सेवा के 68वें बैच का अपितु देश और समाज के उस आधे हिस्से का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ जिसे लड़की होने के कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वंश के उत्तराधिकारी की चाह में एक से अधिक हो गई लड़कियों को स्थानीय राजस्थानी खड़ी बोली में रामघणी और रामनरी जैसे नामों से नवाजा जाता है। उन्हें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता ताकि दहेज के लिए रकम बचाई जा सके। महोदय, अपने गांव से प्रथम सिविल सेवक होने के बावजूद हमें समाज की गलत धारणाओं के उस दंश को भी झेलना पड़ता है जिसमें सिविल सेवा में चयन के उपरांत भी हमें यह सुनने को मिलता है कि यदि गांव के किसी लड़के का चयन हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। महोदय, मैं आभारी हूँ उन सरकारी नीतियों की जिनके बूते आज मुझे एक गांव से राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल तक पहुंचने का अवसर मिला। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की जिन्होंने कभी हम भाई बहनों में भेदभाव नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम तीनों बहनें आत्मनिर्भर बन सके हैं। महोदय, विभागीय दायित्वों से इतर राष्ट्र निर्माण के अपने कर्तव्य के तहत हमने अपने गांव के युवाओं का एक समूह बनाकर विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ करियर काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने के प्रयास प्रारंभ किए हैं। महोदय, राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कर अकादमी ने हम प्रशिक्षु अधिकारियों में न केवल तकनीकी कौशल अपितु नैतिक ज्ञान का बीज भी प्रत्यारोपित किया है। अकादमी ने आर हीरोज जैसे कार्यक्रम के माध्यम से विभाग के सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों से हमें रूबरू कराया है, जिससे कि हमें अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता के साथ करने की प्रेरणा मिली है। महोदय, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अकादमी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण एवं देश सेवार्थ कर संचय की शपथ का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे और करदाताओं के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका निभाते हुए राष्ट्र निर्माण में तन मन से अपना योगदान देंगे। जय हिंद। गुड मॉर्निंग टू हॉनरेबल प्रेसिडेंट एंड अदर डिग्निटरीज प्रेजेंट हियर। आई पी के सरवणन हेल फ्रॉम पोनपत्ती विलेज विच इज इन विलुप्रम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। प्रोफेसर अमर्त्या सेन कॉल्स इंडिया एज ए कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज, those with best education, opportunities and privileges excel. I belong to the clan of lost boys. There were no literate persons in my family before my father. Though he went on to earn a BCom degree, he even now works as a gastro mechanic. Public transport remains as a distant dream for my village Ponpatti. Amidst all uncertainties of life, my father emphasized on the permanence of knowledge. He used to get books and magazines from old bookshops. After I finished reading a book, we used to discuss what I have read while going to school and coming to home. That is how the joy of reading became known to me. Having read only Tamil books, I struggled to understand English lectures in my engineering college. With brimming negativity and inferiority complex, I shut down myself and even found it hard to clear semester papers. Then, having determined to undo the damage, I enrolled myself as a member of the prestigious Kannimara Library. I took only English books every week. I became comfortable with the language, but proper pronunciation evaded me. From feeling like a person lost in Tower of Babel, I started translating works from English to Tamil. When engineering courses were started in Tamil, I translated engineering books into Tamil. Then I entered journalism and got selected as outstanding student reporter. After graduating, I opted to prepare for civil services. In second attempt, I was able to make the cut into this illustrious service. During the training at NASEN, the public speaking classes taught me the nuances and intricacies of communication. It helped us to transcend barriers of reluctance to exchange ideas enthusiastically. After getting the first independent charge, I rang my father to inform about the same.
He inquired about the place of posting. I replied, it is Periyar Maligayappa. With a sense of nostalgia, he said, it is the same place where I started my life as a part-time worker to pay for my college fees. I got reminded of the couplet from Thirukkural, Ulayum Uppakam Kanbar, Ulayvindri Thaalaadu Unattrubavar, which roughly translated means, by relentless effort, one can even overcome their fate. With unmatchable support from family, teachers and friends, I stand as a humble testimony to this couplet. With utmost gratitude, I express my sincere hope that I will be able to contribute significantly and meaningfully to the nation building and overall well-being of the society. Vanakkam. Honorable President, respected senior officers, ladies and gentlemen, I would like to begin with profound and heartfelt gratitude to be given this opportunity to speak before the first citizen of our country. I come from a place nestled in the Himalayan foothills with Nepal and Bhutan on either sides, the Queen of Hills, Darjeeling. Owing to its geographical location, Eastern Hills have always remained an afterthought, literally and metaphorically. Becoming a civil servant for me was not only an academic challenge, but also a greater challenge of overcoming prejudices and perceptions. During my formative years in school, I read the phrase, no discrimination based on caste, creed, culture, race, or religion in civics books. Little did I realize then the meaning, significance, and intent with which our founding fathers had it enshrined in the Constitution. As I left the sheltered environment of home for Delhi to pursue my higher education, people's attitude involuntarily and maybe unintentionally made me feel different than the rest. During the training period, I've had the opportunity to interact with colleagues from different parts of the country, people with different social and cultural backgrounds. It made me appreciate and respect the diverse culture of our great nation. As they say, what makes India beautiful as a country is our differences and not our similarities. The extensive travel across the length and breadth of the country during varied field formation attachments broadened my horizon beyond any perceptible and imperceptible discrimination people of all ethnicities and communities face. Although India presents endless variations of physical features and multiple identities, there is an overwhelming underlying unity. The journey from being a civil service aspirant to an officer has transformed me immensely, both at personal and professional level. The prestigious academy, NASIN, has molded us not only into able tax administrators, but gentlemen and ladies. The training has instilled in each one of us a spirit of camaraderie and esprit de corps to scale greater heights for our department and nation. As an officer of this esteemed service, it gives me immense satisfaction and great sense of responsibility to contribute to my region, to kindle the spirit of ambition and resolution among future generations. Sir, today we stand before you full of enthusiasm and motivation to put in practice the knowledge acquired from experts and proficient people. Tasked with the implementation of indirect tax laws and trade facilitation, as assistant commissioners, we intend to put our best foot forward to achieve the greater objective of economic growth and development of our country. Thank you. ये मेरे और मेरे साथियों के सपनों के सच होने का क्षण है जब समाज के अंतिम पायदान से उठकर भारत का एक आम नागरिक उसी के प्रथम नागरिक के समक्ष इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में पहुंचा है इस अवसर को प्रदान करने के लिए आपके संबोधन मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे माननीय महोदय एक उत्साही प्रशिक्षु से एक संवेदनशील अधिकारी बनने की मेरी यह यात्रा तब शुरू हुई जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से मैं राष्ट्रीय अकादमी फरीदाबाद पहुंचा हालांकि अपने साथियों के संघर्षों और संकल्पनाओं की लंबी यात्राओं के सामने मुझे अपना संघर्ष कमतर ही लगता है लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरा बचपन भी उथल पुथल भरा रहा कुछ पारिवारिक कारणों से मेरी माँ को अपने बच्चों को ननिहाल में रखना पड़ा पर उन्होंने कठिन रास्ता चुना और अपने छोटे बच्चे को ननिहाल में छोड़कर इलाहाबाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने चली गई वह जानती थी कि अगर वह वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर रहेंगी तो अपना और अपने बच्चों के भविष्य का निर्णय ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाएंगी महोदय यह वह समय था जब समाज में ऐसा करना एक महिला के लिए उतना आसान नहीं था लेकिन भारत की ज़्यादातर मातृशक्ति की तरह वह भी सफल हुई
और इस बात ने मेरे भीतर जन सेवा के बीज बो दिए। यही कारण रहा कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मैंने 2 वर्षों तक बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो के रूप में भी काम किया। वास्तव में इन अनुभवों ने मुझे समस्याओं को अलग अलग किंतु समावेशी आयामों से देखने का एक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया है। महोदय, भारतीय राजस्व सेवा का यह बैच भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। जब हमारे जम्मू कश्मीर का कोई साथी कन्याकुमारी के किसी बैचमेट से मिलता है तो मानो कश्मीर के केसर की महक कन्याकुमारी की सीपियों में भर गई हो। जब भारत नेपाल सीमा का एक प्रशिक्षु अधिकारी त्रिपुरा के अपने साथी अधिकारी को जानता है तो उसे यह पता चलता है कि हमारी संस्कृति के प्रतीक नाथ संप्रदाय की जड़ें गोरखपुर से अगरतला तक फैली हुई हैं। ये विविधता में एकता का भाव हमारी आत्मा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, एक सिविल सेवक बनने का हमारा और हमारे घर वालों का सपना तो साकार हो गया, लेकिन हम सब ने एक और सपना देखा है, भारत को एक आर्थिक समावेशी महाशक्ति बनाने का सपना। हम जिन संस्थाओं में पढ़े उनसे बेहतर शिक्षण संस्थाएं बनाने का सपना, हम जिन सड़कों पर चलकर यहां तक पहुंचे उनसे ज्यादा सरपट सड़कों को बनाने का सपना, हमें जीवन में जो अवसर मिल पाए वैसे और उनसे कहीं ज्यादा अवसरों को अपने साथी भारतीय नागरिकों तक पहुंचाने का सपना। और ये सपने हमारे द्वारा संग्रहित राजस्व की शुचिता एवं संवेदनशीलता को और बढ़ा देते हैं, और सपने भी उन्हीं के साकार होते हैं जो सपनों को देखने का हिम्मत रखते हैं। आज के दिन मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपने देखना सिखाया। महोदय, इन सपनों को पूरा करने के मार्ग में आपकी सतत प्रेरणा और पाथेय के लिए हम सभी आपके प्रति सदा अनुग्रहित रहेंगे। जय हिंद।